सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। और हम इस समय आ चुके हैं मुक्तेश्वर धाम। तो हम मुक्तेश्वर धाम के दर्शन करने जा रहे थे, तो उस बीच में हमें ये गाइड भैया मिले। तो इन्होंने बताया कि ये लोग पूरा 1 घंटे का टूर रखते हैं, और उसमें ये यहाँ के जो मेन 5 पॉइंट्स हैं और उन मंदिर मंदिर उनके ये दर्शन कराएंगे, साथ में वो घुमाएंगे। तो भैया कुछ आप बताओगे अपने बारे में? मैम नमस्कार, हमारा नाम मंगलनाथ है, हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट मुक्तेश्वर से बोल रहे हैं। तो आप ये बताओगे कि आप यहाँ पे क्या क्या दिखाने वाले हो हमें? यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको पहला स्पॉट नाग का फन यानी कि स्नेक हुड, सेकेंड स्पॉट आपका रहेगा एडवेंचर स्पॉट जो आप लाइक करें करें, उसका आएगा वो थर्ड स्पॉट चोली की जाली जो मुक्तेश्वर का पर्टिकुलर पॉइंट है जो मंदिर से रिलेटेड है, उसका दिखाएंगे हम आपको रॉक पॉइंट व्यू पॉइंट, और वहाँ से हिमालय भी दिखता है अगर फॉग हो तो, फॉग नहीं हो तो हिमालय दिखता है, और अगर हो तो नहीं दिखता है। उसका दिखाएंगे हम आपको पाँचवा स्पॉट जंगल ट्रैक, इसमें कुछ मेडिसिन वगैरह बताते हैं, जानवर वगैरह बताते हैं, उसका कराएंगे दर्शन, फिर स्टेप से 96 स्टेप गट डाउन करके नीचे आते हैं हम लोग। तो इसमें इजी पड़ता है आपको, चढ़ाई भी चढ़नी नहीं पड़ती, चढ़ाई भी चढ़ना पड़ता है आपको, तो एक रास्ता जो है सिंपल है जिसमें रास्ता भी कम्फर्टेबल है, उसमें घूमने वाले पॉइंट हैं। तो ये गाइड भैया हमने किए हैं क्योंकि हमें यहाँ का ज़्यादा नॉलेज था नहीं, तो अब इन्होंने बताया कि हमें पूरा यहाँ पर ऐसे टूर कराएंगे। तो हमने इनसे बोला कि ठीक है, आप हमें मुक्तेश्वर धाम के दर्शन कराइए और साथ में मुक्तेश्वर की जो खूबसूरती है उसको दिखाइए। तो अब चलते हैं आगे। जिसका नाम बोलते हैं हिंदी वर्ल्ड चीड़, ग्रेनाइट ट्री आपका पाइन ट्री है जिसे बोलते हैं हिंदी में चीड़, देवदार, देवदार ट्री। और इनकी एज होती कितनी? 400 साल। 400 साल, 400 साल, 100 साल पड़ा तो पड़ा, खड़ा तो खड़ा, देवदार। ये नाग का फन है पहला स्पॉट, और इसमें जो चमक है वो माइका है। अच्छा, माइका स्टोन। माइका स्टोन का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग के घर में इलेक्ट्रॉनिक प्रेस पहले भी थी और अभी भी है, तो इसके अंदर लगता था एलिमेंट पहले इस पत्थर का, बहुत बारीकी से लगता था उसमें, और प्रेस ऊपर नीचे उठाने में टूट जाता था, तो अब गवर्नमेंट ने जो इशू कर दिया है वो एलिमेंट कर दिया लोहे का। अच्छा, और इसी के जस्ट ऊपर शाम धाम है शंकर जी का। अच्छा, चलिए बढ़िया, चले फिर आगे। ये जो माउंटेन में आपको होल दिख रहा है सामने, देखिए किसी ने वहाँ पे चुनरी और त्रिशूल का पूजा कर रखा है। अच्छा ओके, इसका नाम बोलते हैं चौथी की जाली। तो इसमें उन महिलाओं के लिए वरदान होता है जिनकी संतान नहीं हो पाती, तो वो महिला शिवरात्रि का दिन फास्ट करके व्रत करके शिव जी के मंदिर में दूध और जल चढ़ाने के बाद पगडंडी से उस दिन रास्ता पूरा साफ किया जाता है, इस पगडंडी से इस होल में जाना पड़ता है। तो उस दिन यहाँ पे इतने लोग रहते हैं कि एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। तो महिला जब इसके क्रॉस होती है तो इसके बैक में नीचे रॉक बने हुए हैं, वहाँ पर खड़े प्रार्थना करती हैं। तो इसमें गुरु गोरनाथ जी का वरदान है और भोले शंकर का वरदान है जो केवल शिवरात्रि का दिन माननी है। अच्छा, कुछ महिलाएं नीचे उतरती है, कुछ महिला ऊपर जाती हैं, तो केवल शिवरात्रि का दिन इसका महत्व है। ऐसा नहीं है कि मोटी है पतली, ऐसा नहीं। हाँ, ये वरदान है उस दिन, मतलब उस दिन कोई भी लेडी निकल जाएगी। मान सकते हैं इस बात को? तो ये है मोर पंखी, 2,500 साल होगा, 2,500 साल पुराना ये पेड़ है मोर पंखी, जो आपके परदादा ने हमारे परदादा ने होंगे। ये 1905 के कॉमन क्वार्टर्स हैं, आईवीआर के। हाँ, चिमनी जो है अंग्रेजों ने डैम की, अंदर से आग जलाओ और कमरा सजा लो।